हरिओम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद गुरु में। प्रिय दर्शकों, जल के द्वारा नवग्रहों को कैसे प्रसन्न करें? आपके पास कोई सामग्री नहीं है और नवग्रहों को प्रसन्न करना है तो मात्र जल के द्वारा भी नवग्रहों को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसे क्या करें कि हमारे नवग्रह कुंडली में जो ग्रह हैं वह हमारे अनुकूल फल दें? प्रिय दर्शकों, आज इस विषय पर हम आप सभी को बताने वाले हैं कि मात्र जल के द्वारा नवग्रहों को कैसे प्रसन्न करें। सूर्य भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो आप एक लोटा जल प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्पित करें, इससे सूर्य ग्रह आपके पक्ष में फल देंगे। यदि चंद्र ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दिखा रहे हैं तो आप प्रतिदिन महादेव को जल अर्पित करें, इससे चंद्रदेव प्रसन्न होंगे। आपकी कुंडली में मंगल यदि अशुभ प्रभाव दिखा रहे हैं तो आप मजदूरों को जल की व्यवस्था कराएं, जहां मजदूर वर्ग रहते हों वहां जल की उत्तम व्यवस्था कराएं, निश्चित रूप से आपका मंगल बहुत अच्छा फल देगा। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह विपरीत फल दे रहा है, बोलने की शक्ति कमजोर हो रही है या वाणी में मधुरता नहीं आ रही है, किसी को कोई अच्छी बात भी बोल रहे हैं तो बुरी लग जा रही है, तो आप बुध देव को प्रसन्न करने के लिए आप पौधों में जल को डालें। प्रतिदिन जो आपके समीप पौधे हों उनमें जल डालें, अगर कोई पौधे ना हो तो तुलसी के पेड़ में ही जल डालें। यदि आपकी कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह कमजोर है या शुभ फल नहीं दे रहा है तो आप मंदिर में जल की व्यवस्था कराएं, धार्मिक स्थानों में जल की व्यवस्था कराएं, प्याऊ लगवाएं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा फल नहीं दे रहा है या शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में विपरीत फल दे रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, मीठा जल यानी कि शरबत बना करके वितरित कराएं, निश्चित रूप से कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छा फल देगा। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह आपके विपरीत है, आपको कई प्रकार की समस्याएं शनि ग्रह की वजह से आ रही हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में जल को वितरित कराएं या वृद्धाश्रमों में प्याऊ लगवाएं। प्रिय दर्शकों, यदि राहु ग्रह आपको विपरीत फल दे रहा है, कुंडली में राहु ग्रह शुभ नहीं है या विपरीत ग्रहों के साथ बैठ करके आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ दे रहा है, तो आप प्रतिदिन पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कराएं। यदि कुंडली में केतु ग्रह की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या केतु ग्रह आपके कुंडली में शुभ नहीं है तो आप प्रतिदिन कुत्तों के लिए जल की व्यवस्था करें या पशुओं के लिए भी आप जल की व्यवस्था करें, जिससे केतु ग्रह प्रसन्न होंगे। प्रिय दर्शकों, मात्र जल के द्वारा आप नवग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। हरिओम प्रिय दर्शकों।